अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। बहुत अफसोस के साथ ये वीडियो बनानी पड़ रही है। सांगड़ का एक गांव जहां पर ये वाकया पेश आया है, जहां ऊंट का पैर काट दिया जाता है। एक वडेरा जिसका वहां पर जो है वो जमींदारी के लिए एक ज़मीन थी, वहां पर वो ऊंट घुस जाता है और वहां जाके उसको तकलीफ होती है और वो बेजुबान जानवर का ऊंट का जो है पैर काट देता है। बहुत ही दुख के साथ ये वीडियो बनानी पड़ रही है। एक दो दिन से ये वीडियो वाकई जो है वो हमारे सामने चल रही है, आ रही है। कितनी तकलीफ़ होती है जब खुद को तकलीफ़ होती है, आपको छोटी सी कोई चोट लग जाए। ये बेजुबान जानवर 4 घंटे तक वहाँ तड़पता रहा और पुकारता रहा, लेकिन कोई इसको सुनने के लिए नहीं आया, कोई देखने के लिए नहीं आया। और आपको याद होगा, शायद आपने सुना भी हो या नहीं सुना हो तो मैं आपको बता दूँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे हमारे नबी, सही है, उनकी ऊँटनी पर जुल्म किया था 4 लोगों ने और उस अल्लाह की तरफ से उस पूरी कौम पर अज़ाब आया था। तो आप मत भूलें, हम जो है वर्ल्ड कप और T20 और इसकी तकलीफ़ और उसके दर्द में बैठे हैं। हम सोच रहे थे, लेकिन हम वाकई, मैं खुद इस तकलीफ़ में था, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे लम्हात है कि एक बेजुबान जानवर की टांग काट दी गई और वो तड़पता रहा, चीखता रहा, लेकिन वो बेजुबान था, कोई उसकी तकलीफ़ को नहीं आया। और वो क्योंकि जो है बेजुबान था और एक वडेरा था जिसने ये हरकत की, और वहाँ पे गांव सिस्टम में आपको पता है वडेरा जो भी होता है और वहाँ पे जो नीचे के लोग होते हैं ये काफ़ी उसकी जो है वो डरते हैं उससे, उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए हमारी जो है चीफ जस्टिस साहब को लेना चाहिए, वहाँ के जो वज़ीर आला जो भी सिंध के वज़ीर आला उनको एक्शन लेना चाहिए, बिलावल साहब आपको इस जो है एक्शन लेना चाहिए, और वज़ीर आज़म साहब आपको एक्शन लेना चाहिए कि बेज़ुबान जानवर को मारा जाता है, उसकी टांग काटी जाती है, इसका हिसाब आपको ज़रूर देना होगा, इस जहां में भी देना होगा, उस जहां भी देना होगा आपको। और नालत है आपकी शक्ल के ऊपर, नालत है आपकी उस सारी जितने भी आपके लोग थे आपके साथ शामिल थे उन सबके ऊपर नालत है। अल्लाह का अज़ाब तुम लोगों पर नाज़िल होगा इंशाअल्लाह ताला कि तुमने एक बेज़ुबान जानवर की टांग काटी है और उसको तकलीफ़ दी है, और उस तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए। अगर सज़ा नहीं मिली तो उस उधर के लोगों को भी अज़ाब आएगा जो ये तमाशा देखते रहे और चुप रहे और डर रहे और खौफ में बैठे हैं, उनको भी चाहिए कि वो उठें, आवाज़ उठाएं बेज़ुबान जानवर के लिए और इंसानियत के लिए, वरना अल्लाह तुमसे इस चीज़ का भी हिसाब लेगा और ख़ास तौर पर जो वडेरा है उससे भी ज़रूर लेगा। नालत है तेरी शक्ल के ऊपर वडेरे कि तूने ये बेजुबान जानवर को मारा है, उसकी टांग काटी है, तुझे ज़रूर उसका हिसाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और कबर का साइज़ तेरे लिए तैयार हो चुका है और उसकी तैयारी भी हो चुकी है इंशाअल्लाह ताला, वो अल्लाह तुझे ज़रूर दिखाएगा और अल्लाह तुझे उसका हिसाब देगा। तूने एक बेजुबान जानवर का जो है पैर काटा है ना, तू बचेगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। जितनी तकलीफ़ में वो बेचारा तड़प रहा है वो बेजुबान जानवर, कम से कम इतना तो तुम सब कर सकते हो कि उस बेजुबान जानवर की तुम लोगों ने टांग काटी है, तुम लोगों को इतनी शर्म नहीं आई कि कितना वो तकलीफ़ में होगा जब खुद के बेटे और उस खुद के आपके किसी खून के कतरे को तकलीफ़ होती है तो कितना आप लोग तड़पते हो। लेकिन वो बेजुबान जानवर वहाँ तड़पता रहा 4 घंटे तक, वहाँ जो है वहाँ था और उसको कोई पूछने के लिए नहीं आया। अल्लाह ज़रूर तुम्हें तुमसे इसका हिसाब लेगा, सही है। तुम मेरे सामने होते तो मैं तुम्हारा खुद गला दबाता, मैं खुद तुमसे मुकाबला करता, तुम मुझसे आके अकेले मुकाबला करो, मैं तुम्हें बताऊं अपने चमचे और अपने जो तुमने कंजर अपने साथ रखे हैं ना उनसे हटके आगे मुकाबला करो तुम्हें मैं बताऊं। बगैरत इंसान, तुमने उस ऊंट का जो है पैर काटा है, तुम्हें अल्लाह कभी नहीं बख्शेगा।